और पैसे थे थोड़े से कम, तो मैंने ना ऑलमोस्ट सारे बर्गर ब्रांड्स के बर्गर मंगवा लिए हैं, वो भी इकोनॉमिकल, जो सबसे सस्ते वाले होते हैं ना, वो वाले मैंने सारे ऑलमोस्ट ब्रांड्स के मंगवा लिए। अब ये सबसे पहले हम लोग खोलने वाले हैं बर्गर सिंह का हमारा निक्कू बर्गर। निक्कू आपको याद है कौन है? निक्कू है मेरा भाई। इसके साथ इन्होंने दिया है सैनिटाइजर, देख रहे हो हमारे इंडियन ब्रांडिंग कितनी सही कर रखी है इन लोगों ने, जिसका प्राइस है जस्ट ₹41। इसके साथ हमें मिला नैपकिन, एक कैचअप हमारा निक्कू बर्गर में, मुझे लग रहा है देसी स्वाद होने वाला है। ये इसके अंदर दी है लेटेस और ये है मेयो, खूब सारी लेटेस और प्याज भी डाली है। हमारे इंडिया वाले ना कोई कंजूसी नहीं करते हैं प्याज में। अब बारी है हमारा वेंडी का, इसका प्राइस भी बिल्कुल सेम है और इंडिया में अभी लेटेस्ट आया और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके साथ भी एक नैपकिन और ये है हमारा बन टिक्की बर्गर। आपको पता है इस वीडियो को बनाने में हमारी खून पसीने की मेहनत लगी है, क्योंकि जब हम बर्गर लेने गए थे ना, हमारी स्कूटी हो गई थी टो और उसके बाद हमें 3-4 घंटे तो हमें स्कूटी ढूंढने में लग गए थे। तो गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने बुक्कर दोस्तों को टैग कर दो, और इस पे यार मुझे कम से कम नहीं तो 10 से 12 हज़ार तो लाइक चाहिए ही चाहिए। इसको खोलते हैं, इसके अंदर सिर्फ प्याज लगा रखी है, नो लेटेस, और ये है हमारी टिक्की और थोड़ी सी केचप लगा रखी है। और आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है बर्गर में वो भी मुझे जरूर बताना। इसका भी प्राइस 41 ही है। अब बारी हमारी मोस्ट पॉपुलर बर्गर की, मैक आलू टिक्की। मैकडोनल्ड का बर्गर तो सबने खाया हुआ होगा, मैंने तो तब खाया था जब वो 20 रुपीज का आता था। 44 रुपीज इज द प्राइस। तो गाइज ये है, ये होता है यार बर्गर, देखो कितना हरा भरा, पैकेजिंग इतनी मस्त लग रही है। और ये तो भाई सबका फेवरेट है, इस तरीके का बर्गर है। पर ये हमारी मैकालू टिक्की, ये है हमारी सॉस और इसके अंदर टमाटो एंड अनियंस हमें दिए हैं। बाकी बर्गर में अभी तक किसी में भी टमाटो नहीं आया है। 44 प्राइस है। सॉस कम कर दी इन्होंने, पहले तो बाहर तक आती थी, पहले बहुत ज्यादा आती थी। सही कह रहा है निखिल, इसके भी 1 रुपए तो पक्का एक्स्ट्रा लिया होगा। ये मैकडी का सबसे बेकार चीज लगती है कि ये हर चीज के साथ केचप के लिए एक्स्ट्रा प्राइस लेते हैं। ये है हमारा बर्गर किंग, क्या ये सच में किंग है? देखते हैं। इसका जो सबसे इकोनॉमिकल बर्गर है इसका प्राइस है 47 रुपीज। ठीक है, इसका है बर्गर का नाम क्रिस्पी वेज। ये है ना, देखो कुछ ये यार ऊपर से इसमें चीज लगी होती है ना तो बन की जान अलग हो जाती है। और ये देखो, ये है हमारी सेम सॉस है, सबने लगा रखी है ऑरेंज कलर की तंदूरी मेयो टाइप। अभी जब खाएंगे तब पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है सॉसेस में। तो ये हमारा 47 वाला, इसके साथ हमें बर्गर के साथ एक केचप मिली है। आज मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मेरा वेट गेन होने वाला है। ये है हमारा बर्गर क्लब, तो इसका जो बर्गर है ना सबसे इकोनॉमिकल वो है 51 रुपीज का हमारा वेज क्लब। ये देखिए इसके अंदर इन्होंने हमें दी है एक पैटी, ओ माय गॉड, एलुपिनोस भी है इसके अंदर और खीरा भी दे रखा है, टमाटो है, क्या बात है, काफी सारी वेजी है। और इसके अंदर ना मेयो है व्हाइट वाली, इसमें इन्होंने हमें ऑरेंज मेयो नहीं दिए, तो थैंक गॉड कुछ तो अलग होगा इस बर्गर में। 51 इज द प्राइस। अब बारी है KFC की, और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वाला बर्गर है जो 250 रुपए का है और जो अपने ब्रांड का सबसे इकोनॉमिकल बर्गर है। तो मैं सोचूं कि एक्सपेंसिव रेंज तो पता नहीं कहाँ ही जाएगी। ये अभी हमारे दिल्ली में आया है लुइस बर्गर, तो अभी KFC खोल लेते हैं। वैसे तो KFC अपने नॉनवेज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन वेज वालों के लिए भी इन्होंने कुछ कुछ दे रखा है। अच्छा, ये पहला ऐसा ब्रांड है जिसने 2 केचप दिए, जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी भी बर्गर खाते हैं 2 केचप तो यार लगती है, तो थैंक यू फॉर दैट। इसका प्राइस है हमारा 69 रुपीज, मतलब 70 रुपए में आपको 2 केचप तो मिल रहे हैं लेकिन थोड़ा सूखा सा बन मिल रहा है। और ये है हमारी केचप और इसमें पत्ते गोभी दे रखे हैं इन्होंने, लेटर्स दे रखे हैं थोड़ी सी। 69 रुपीज़ में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। इससे अच्छा तो हमारा बर्गर क्लब है, देखो कितनी सारी चीज़ें दी हैं। अब बारी है हमारे लुइस बर्गर के हर्बीवोरस बर्गर ट्राई करने की। इसका प्राइस है 250 रुपीज़ और पैकेजिंग काफ़ी सॉलिड है। ये देखो इसके साथ यार आप 250 रुपये ले रहे हो, थोड़े से एक्स्ट्रा फ्राइज दे देते क्या चला जाता, 2-4 आलू ही तो जाते ना, लेकिन हम तो दिल से खुश हो जाते कि इफ़ वी आर पेइंग 250 रुपीज़ तो उसके साथ फ्राइज आ गए। और केचप भी नहीं दी है भाई, केचप ही नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। अब इसको ओपन करते हैं और ये है हमारा हर्बीवोरस बर्गर, काफी यम्मी लग रहा है देखने में तो, है ना। ओह
ये काफ़ी सॉसी होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी टेस्टी। तो ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं हमारे बर्गर सिंह से। मैंने बर्गर सिंह का बर्गर टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक नहीं खाया, ये मेरा पहली बार होने वाला है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी सॉसेज हैं और वेजिटेबल का क्रंच बहुत सही आ रहा है। आई थिंक 41 रुपीज़ में बहुत बढ़िया इन्होंने इसके अंदर फिलिंग दे रखी है, चीज़ें दे रखी हैं। अब बारी है हमारी बर्गर क्लब की, इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और लेट्स सी। बर्गर के अंदर तो वेजिटेबल्स हैं लेकिन आलू पैटी के अंदर भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और इसके अंदर मेयो डली हुई है तो वो टैंगीनेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जो आता है ना ऑरेंज वाली सॉस का। और ये है हमारा मिस्टर हर्बी वोरस बर्गर, तो लेट्स सी अगर ये गरम गरम मिल जाता तो शायद ये और ज़्यादा डिलीशियस लगता। अनडाउटेडली इट इज़ वेरी टेस्टी, इट इज़ सॉसी एंड चीज़ का बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आ रहा है। मुझे ये सारे बर्गर ट्राई करके बहुत ही मज़ा आया, आई होप आप लोगों को वीडियो देख के भी मज़ा आओगे। जल्दी से अपने दोस्तों को साथ टैग कर दो और उन्हें बताओ कि ये वाला बर्गर ट्राई करने चलते हैं बहुत जल्दी, दिल्ली में आ चुका है। और आपको कौन से वाला ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब जिस भी दोस्तों के साथ जाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, अभी एक मेरे को बहुत सारा काम करना है, सब कुछ ख़त्म करना है, ठीक है, बाय।